पंचायती राज चुनावों में जिला परिषद के सदस्यों के नामांकन पत्र भरने के पहले दिन विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने दावा किया है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जिला परिषद वार्डो में जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि 3 सालों से प्रदेश सरकार ने अथाह विकास करवाया है और इसके चलते लोग भी पंचायती राज चुनावों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को जीत दिलाएंगे। बेही हमीरपुर नगर परिषद में कई वार्डों में बहुत ज्यादा प्रत्याशियों के मैदान में उतरने पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने किसी प्रत्याशी का नाम नहीं काटा है और मेरिट को देखकर ही टिकट का आवंटन किया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज पंचायती राज के इलेक्शन का फर्स्ट डे है नॉमिनेशन का और हमारे जो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र है जो 2 हमारे फुल वार्ड जिला परिषद के हैं आज दोनों ही अपना अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं और जैसे हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम भारी बहुमत से दोनों जिला परिषद वार्ड जो जीतेंगे और एक ताल वाला वार्ड है हमारा उसमें हमारी 6 पंचायतें हैं तो वहाँ का कैंडिडेट भी हमारे ही जिला परिषद से हमारे ही विधानसभा क्षेत्र से है। हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि वो भी हम बड़े मार्जिन से जीतें और जैसे हमारा 3 साल का सरकार का कार्यकाल रहा है व केंद्र में मोदी जी का तो हमें कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी जिला में और हमारे विधानसभा क्षेत्र में सभी सीटें जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कमेटी का दोनों में ही अच्छा ऐसा है, मैं ये नहीं समझता। जिला परिषद में तो हमारा कोई कोई ऐसा है नहीं है किसी की कोई इसमें विरोध हाँ किया हो, लेकिन जहाँ वार्ड की बात है यहाँ ठीक है कि एक एक जगह के लिए 7, 8, 9 लोगों ने अपना आवेदन दिया है और कमेटी की तरफ से जो भी हमने यहाँ पर जो सिलेक्शन की है हमने सभी मैट देख कर की है। हमने कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाई किसी की नज़दीकियों की वजह से या किसी की वजह से किसी का टिकट काटा हो या किसी का किसी को आवेदन दिया हो किया हो, हमने मैट देख कर ही फैसला किया है और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी समस्या का आने वाले इलेक्शन में सामना करना पड़े।